पार्लियामेंट में अब 18 से 22 तारीख के बीच मानसून सेशन शुरू हो चुका है और इस मानसून सेशन में काफी बड़े बिल पास हो सकते हैं जिसके ऊपर पूरे देश की नजर होने वाली है, जैसे कि यूसीसी, इंडिया रीनेम्ड भारत और उन्हीं में से एक है वन नेशन वन इलेक्शन। यूसीसी और इंडिया रीनेम्ड भारत पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मे बी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूं तब तक ये बिल पास भी हो चुका हो, वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल। बट फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि काफी सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। व्हाट इज द वन नेशन वन इलेक्शन? जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पूरे देश में एक ही टाइम पर सारे इलेक्शन होना। अभी हमारी कंट्री में क्या होता है, देखा जाए तो हर साल इलेक्शन होते हैं किसी ना किसी स्टेट में, जैसे कि 2021 में वेस्ट बंगाल में हुए, अभी 2023 में कर्नाटक में, और आने वाले 4 महीनों में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, 2024 में पूरे देश के, और उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो इस वन नेशन वन इलेक्शन का मोटिव है कि पूरे देश में एक ही टाइम पर सारे इलेक्शन कंडक्ट हो। अब इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। और हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि यूएस और यूके की तरह एक ही दिन पूरे देश में इलेक्शन हो, ये भारत जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में पॉसिबल भी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि अराउंड 2-3 महीने इलेक्शन चलेंगे। अब अगर एक स्पेसिफिक स्टेट, जैसे कि हम हरियाणा की ही बात ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पर एक ही साथ लोकसभा, विधानसभा और म्युनिसिपल कमेटी सारे इलेक्शन होंगे, उसके बाद किसी और स्टेट का नंबर आएगा और ये साइकिल ऐसे ही अराउंड 1-2 महीने तक चलेगा। पर उससे पहले अभी हमारे भारत में कौन से इलेक्शन होते हैं, कब होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, देश में ये कुछ इलेक्शन है जो हर साल होते हैं, पर उनमें से 3 है जो सबसे ज्यादा मेन है। चलिए सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन। अब इसमें से जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसमें एक आम नागरिक का कोई सीन नहीं होता, वो जो पार्लियामेंट के एमपी होते हैं उनके द्वारा वोटिंग होती है और फिर देश का राष्ट्रपति, जैसे कि आज की डेट में द्रौपदी मुर्मू है, कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। अब सबसे मेन जो इलेक्शन है वो है लोकसभा और विधानसभा, जिसमें हमारे देश में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लोकसभा इलेक्शन मतलब कि जब जनता अपने देश के लिए एक प्रधानमंत्री को चुनती है, जैसे कि अभी साल 2014 से देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं और सेम इलेक्शन 2024 में भी होने वाले हैं। और आज की डेट में हमारे देश में टोटल 545 लोकसभा सीट है, जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा मेंबर यूपी से है, टोटल 80 मेंबर है यूपी में। तो आप ये कंप्लीट चार्ट देख सकते हो यहां पर। अब बात करते हैं विधानसभा की, और यही वो इलेक्शन है जो हर स्टेट में अलग अलग टाइम पर कंडक्ट होते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा में 2019 में विधानसभा इलेक्शन हुए और अब ये होंगे 2024 में, यानी कि पूरे 5 साल बाद, बिहार, दिल्ली में 2020 में, फिर अगेन 2025 में। तो बाकी स्टेट का सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। अब इस इलेक्शन में क्या है, हर स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जनता अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अपनी पसंद के कैंडिडेट को जिताती है, जिसे हम कहते हैं एमएलए। और जब हम लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पर अपनी पसंद के कैंडिडेट को चुनते हैं तो उसे हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने वोटिंग पावर से चुनते हैं देश के राष्ट्रपति को। और इन सब इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत बड़ा होता है, सारा कुछ इन्हीं के द्वारा कंडक्ट होता है, एटलीस्ट ऑन पेपर। तो इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी, ग्राम पंचायत के इलेक्शन भी होते हैं, तो इन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं होता है। अब बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा को पार्लियामेंट का अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं जनता के प्रतिनिधि, यानी कि लोकसभा और विधानसभा में जो कैंडिडेट जीतते हैं वो इनका सिलेक्शन करते हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ये। इसमें टोटल 250 मेंबर होते हैं, 238 इलेक्टेड और 12 प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। और लोकसभा और विधानसभा का टेन्योर 5 साल की जगह 6 साल का होता है। तो कुछ इस तरह प्रोसेस हमारे देश में इलेक्शन का चलता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। अब देखो, वन नेशन वन इलेक्शन भारत में कोई नया नहीं है, ये रूल भारत में पहले भी कंडक्ट हो चुका है। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद से 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन दोनों एक साथ हुए। उसके बाद 1968 में कुछ स्टेट्स में टाइम से पहले ही असेंबली डिसॉल्व हो गई, मतलब कि इससे पहले कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी काफी सारी स्टेट में। उसके बाद 1968 में कुछ स्टेट में गठबंधन की सरकार थी, जैसे कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मेरे हरियाणा में अभी बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई हुई है, और किसी वजह से अगर जेजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है तो ये सरकार बीच में ही टूट जाएगी। तो बीजेपी को अपना कैसे ना कैसे करके पूर्ण बहुमत साबित करना पड़ेगा। जब पूर्ण बहुमत साबित नहीं होता तो उस स्टेट में असेंबली यानी कि सरकार खत्म हो जाती है, क्योंकि किसी भी सरकार को बने रहने के लिए मेजोरिटी का होना जरूरी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि विद इन 6 मंथ अगर कोई भी पार्टी अपना पूर्ण समर्थन नहीं दे पाती तो 6 मंथ बाद उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।
और आजादी के बाद से अब तक 115 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अब आप ये तो समझ चुके हो किसी भी देश में किसी भी स्टेट में सरकार तब गिर सकती है जब उसके पास पूर्ण बहुमत ना हो, और दूसरा जब पीएम चाहे तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्शन करवा सकता है जब उसे लगे कि अभी इलेक्शन होने में फायदा है। और आर्टिकल 85 लोकसभा के बारे में और आर्टिकल 174 विधानसभा के बारे में इसी चीज के ऊपर लिखता है। और 1969 में कुछ ऐसे ही हुआ था, इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से एक बार इलेक्शन समय से पहले करवाए हैं और साथ ही विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल भी बढ़ाए हुए हैं, जैसे कि 1971 से लेकर 1977 तक का कार्यकाल, क्योंकि इसी बीच इमरजेंसी हुई। और 1977 से लेकर 1999 तक बहुत बार लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है क्योंकि उस वक्त गठबंधन इतना मजबूत नहीं होता था, पर 1999 के बाद से लेकर आज तक ये स्टेबिलिटी चली हुई है। हमारे देश का इलेक्शन कमीशन वन नेशन वन इलेक्शन को स्टार्टिंग से सपोर्ट करता है, दैट्स वाई इसके बाद 1983 में ये मुद्दा फिर से उठा। 1999 में इस चीज को लेकर विधि आयोग बनाया गया कि इस चीज पर संशोधन हो और वो कैसे हो। 2003 में लाल कृष्ण आडवाणी ने फिर से मुद्दा उठाया, पर उस वक्त लेफ्ट पार्टी ने इसका विरोध किया। इसके बाद 2015 में फिर से इस पर चर्चा शुरू हुई, पर मेन जो चेंजेस है वो साल 2017 में नीति आयोग के टाइम पर हुए, जिन्होंने इस चीज के ऊपर अराउंड 30 पेज की एक रिसर्च की और ये किया कि ये चीज जरूरी है और ये कैसे हो सकती है और क्या परेशानियां आएंगी। और इसके बाद 2022 में इसके ऊपर डिस्कस हुआ, हालांकि 2024 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये चीज जरूर शामिल थी। कंसर्न अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शन, अब सबसे पहली चिंता जो आती है वो है फिजिबिलिटी की, जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ ही नहीं करता, पर ऐसा नहीं है। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को तो चेंज करना ही होगा, तभी जाकर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो सकता है। और इसी के अंदर आता है दूसरा पॉइंट, यानी कि ईवीएम स्टाफ। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि एक साथ इतनी सारी ईवीएम मशीन और स्टाफ कहां से आएगा। अब यहां पर वही सेम पॉइंट आता है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन पर सारे पूरे देश में इलेक्शन हो, ये इलेक्शन होंगे विद इन 2 मंथ्स के अंदर पूरे कंट्री में इलेक्शन होंगे, तो इस चीज को हम एक कमी नहीं कह सकते। तो ये फिजिबिलिटी वाला पॉइंट यहां पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इसे दिखाया जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व, अब यहां पर आप केजरीवाल का ये वाला पॉइंट अगर समझ सकते हो तो ये वही पॉइंट है। 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है, उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर छठे महीने चुनाव होते हैं, तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, हर छठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का पॉइंट है। मतलब कि अगर 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट 5 साल बाद जनता के सामने पेश होगी, आपके डोमेस्टिक मुद्दे इन सब पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी दूर दूर तक कोई इलेक्शन तो है नहीं, डायरेक्ट 5 साल के बाद आना है अपना चेहरा दिखाना है। और अभी क्या है, हर 6 महीने बाद किसी न किसी स्टेट में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तो सरकार को भी थोड़ा बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले। अब 5 साल का टेन्योर में क्या होगा, अराउंड 4 साल सरकार की फुल अपनी मनमर्जी चलनी है और इलेक्शन के टाइम पर जनता को मुफ्त की रेवड़ी देकर अट्रैक्ट किया जाएगा, वो भी बहुत बड़ी रेवड़ी। अब पॉइंट अच्छा है, पर बार बार इलेक्शन करवाना भी अच्छा नहीं है, तो इट्स बेटर कि इसका कोई अल्टरनेटिव भी खोजा जाए। फेडरेशन इन डेंजर, अब सबसे मेन पॉइंट जो वो यही है कि संघवाद। अब इसमें क्या है कि जो किसी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के डोमेस्टिक मुद्दे हैं वो देश के नेशनल मुद्दे के तले दबके रह जाएंगे। अभी क्या है, आपके स्टेट आपके डिस्ट्रिक्ट आपके गांव आपके शहर को कौन अच्छे से जानता है, उनकी असली परेशानी क्या है, जाहिर सी बात है कुछ रीजनल पार्टीज जो अपने एरिया के प्रॉब्लम को अच्छे से समझती है। और वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा, एक साथ इलेक्शन होंगे और देश की जनता क्या है वो तो हवा में बह जाएगी, मतलब कि बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग चेहरा है मोदी, तो उसी के नाम पर पूरे सिस्टम को वोट मांगे जाएंगे, मतलब कि मोदी के नाम से ही लोकसभा विधानसभा म्युनिसिपल कमेटी पंचायत सब जगह मोदी के नाम से ही वोट मांगे जाएंगे। अब सब लोगों में इतनी समझ तो होती नहीं है कि कहां पर किसे बैठाना और किसे नहीं। अब जैसे कि मेरे हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के एंड तक, यहां अभी क्या है जो कट्टर बीजेपी भक्त है वो मोदी के साथ है, पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ नहीं है, यानी कि लोग बीजेपी से ज्यादा मोदी के फैन है और मोदी एक स्ट्रॉन्ग चेहरा है और ऐसे चेहरे बहुत कम देखने को मिलते हैं। शुरू में हमें नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी राजीव गांधी, उसके बाद डायरेक्ट 2024 में मोदी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में उभरे हैं। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर बात कर अटल जी को भी ले सकते हैं,
हालांकि टाइम के साथ इनके भी इमेज में गिरावट देखने को मिली थी, तो जाहिर सी बात है मोदी मैजिक ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला। पर बीजेपी गवर्नमेंट के बाद मोदी के पास एक स्ट्रॉन्ग चेहरा और है, वो है योगी। और जब किसी नेशनल पार्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग चेहरा होता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में ये वन नेशन वन इलेक्शन कभी कभी वन साइड का भी काम करता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में एमसीडी और ग्राम पंचायत इलेक्शन होते हैं तो वहां पर भी बीजेपी वाले जो मोदी के नाम से ही वोट मांगते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी एक स्ट्रॉन्ग चेहरा है। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन लीडर हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन से जो नुकसान होने वाला है वो है रीजनल पार्टी को। अगर आपके एरिया में कोई लोकल पार्टी जाए तो देखना, इस नए रूल को इम्प्लीमेंट होने के बाद कहीं ना कहीं वो आपको खत्म होती नजर आएंगी। हाँ, अगर रीजनल पार्टी का चेहरा नेशनल पार्टी के चेहरे से दमदार है तो मे बी वहां पर ये चीज काम ना करे। जैसे कि 2024 में पूरे देश में मोदी जी की हवा थी, उसके बावजूद भी केजरीवाल इलेक्शन में जीत गए। सेम चीज 2019 में भी हुई, फिर केजरीवाल जीते हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से। वेस्ट बंगाल में 2021 में कुछ ऐसे हुआ, सबको लगा था कि इस बार बीजेपी जीतेगी, पर बीजेपी 3 डिजिट भी नहीं ला सकी। पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं इस चीज पर असर पड़ेगा। पर सामने वाला कैंडिडेट्स अगर मोदी से भी स्ट्रॉन्ग है तो कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है। पर इंडिया जैसी कंट्री जहां पर काफी सारे वोटर अनएजुकेटेड है, दूसरा भाव में बह जाते हैं, अब सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज पे असर पड़ेगा। अब जैसे कि मेरे एरिया में चेयरमैन और एमसी दोनों के इलेक्शन एक ही डेट में एक साथ हुए, तो उस वक्त काफी सारी वुमेन बुजुर्ग इन सबको पता ही नहीं था कि कौन सी मशीन किसके लिए है, मतलब कि चेयरमैन की कौन सी और एमसी कौन सी है अल्टरनेटिव। देखिए, अब हर 6 महीने में इलेक्शन हो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि इसमें काफी सारे पैसे भी खर्च होते हैं। जिस एरिया में इलेक्शन होते हैं वहां पर अराउंड 3 से 6 महीने के लिए हर तरह के डेवलपमेंट काम ठप पड़ जाते हैं। तो अल्टरनेटिव क्या है? सबसे पहले तो यही है, जो है जैसा है चलने दो, पर इससे तो काम चलने वाला है नहीं। और देखिए, जो चीज मैं बोल रहा हूँ कि मे बी आज बिल में वही चीज देखने को मिल जाए, अगर नहीं मिलती तो मे बी ऐसा भी हो सकता था। देखिए, जैसा कि अभी बात हो रही है लोकसभा विधानसभा और लोकल बॉडी एक साथ इलेक्शन, फिर इसमें वही बात, आपके नेता सीधे आपको 5 साल बाद आपको अपनी शक्ल दिखाएंगे। तीसरा, ये हो सकता है कि लोकसभा के इलेक्शन अलग हो और बाकी जितने भी इलेक्शन है विधानसभा प्लस लोकल बॉडी प्लस पंचायत सब एक साथ हो, यानी कि 2.5 साल का गैप दे सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ, हो सकता है एक साथ इतना बड़ा रूल इंप्लीमेंट करने से अच्छा है एक साल में जितने भी स्टेट हैं, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी और मिजोरम, इनके इलेक्शन होने वाले हैं, उन्हें अलग अलग डेट पर होने की बजाय इन सबको एक ही फिक्स मंथ में फिक्स डेट पर इनके इलेक्शन हो जाए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। कम से कम बाकी 11 महीने अच्छे से तो जाएंगे। आप धीरे धीरे वन नेशन वन इलेक्शन पर शिफ्ट हो सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, और इससे कुछ खास असर भी नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक सबसे अच्छा ऑप्शन है यही है, एक साल में जितने भी इलेक्शन है उसे निपटा दीजिए। और दूसरा यह है कि पहले लोकसभा के हो जाए, फिर उसके बाद विधानसभा, लोकल बॉडीज, पंचायत सबके एक साथ हो जाए। ओल्ड सिचुएशन। अब ये पॉइंट आता है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन रूल इंप्लीमेंट हो गया, पर ये तो आजादी के बाद भी था, तो सेम सिचुएशन दोबारा खड़ी होती है। मतलब कि किसी स्टेट की विधानसभा अपने 5 साल के टेन्योर से पहले ही खत्म हो जाती है, या फिर लोकसभा में सरकार गिर जाती है, तो फिर क्या? तो फिर दोबारा से सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 243 के रूल को इंप्लीमेंट करना चाहिए, जैसे कि पंचायत और म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन में होता है। मतलब कि अगर कोई लोकसभा 2.5 साल में ही गिर जाती है तो आगे जो इलेक्शन होंगे, जो पीएम आएगा, वो सिर्फ बाकी बचे टेन्योर के लिए आएगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगेन सिस्टम फिर से गड़बड़ा गया, वही पहले वाली सिचुएशन आ गई, तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या फायदा हुआ? बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अब वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है वो ये मनी का। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस में साल 2016 में अराउंड 6.5 बिलियन खर्च किए गए, और वहीं साल 2019 में हमारे देश के लोकसभा इलेक्शन, सिर्फ लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही है, इसमें अराउंड 8.5 बिलियन 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जहां पर उस वक्त देश में 610 पॉलिटिकल पार्टीज थी और 9000 प्लस कैंडिडेट इलेक्शन में शामिल थे। इसके साथ ही पार्टी को एमपी के इलेक्शन में अलग, एमएलए पर अलग और लोकसभा पर अलग खर्च करना पड़ता है। दूसरा बेनिफिट यह भी है कि अभी सरकार क्या है, हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। लोकसभा तो है ही, पर आपने देखा होगा कि जब किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं जो नेशनल लीडर्स हैं उन्हें भी जोर लगाना पड़ता है। आप वेस्ट बंगाल को ही ले लीजिए, जहां पर इलेक्शन के टाइम पर योगी, मोदी, नड्डा सब आए हुए थे, और साथ ही सरकार हर स्टेट में उनके अकॉर्डिंग वादे भी कर देती है, हर स्टेट अलग वादे, और रिजल्ट कोई वादा कंप्लीटली पूरा भी नहीं होता। अब वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो वादा किया जाएगा तो मे बी इन्हें पूरा भी किया जाए, क्योंकि टाइम ज्यादा है, पर फिर वही बात, छोटे मुद्दे नेशनल मुद्दे के तले दबके रह जाएंगे।
तीसरा पॉइंट ये है, अभी अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है नेशनल लेवल पर तो कई बार इलेक्शन के चक्कर में इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि क्या पता अगर ये पॉलिसी स्टेट के लिए सही है तो जरूर नहीं कि दूसरे स्टेट के लिए भी सही हो। तो ऐसे क्या होता है कि चीजें टलती रहती है। पर अगेन सेम पॉइंट, कई बार सत्ता की पावर में कोई गलत पॉलिसी ना आप पर थोप दी जाए, जैसे कि कृषि बिल लाया गया जब उस वक्त पूरे अच्छे से इस पर रिसर्च नहीं की गई थी। करप्शन, अब हमारे देश में करप्शन किस लेवल पर है आप जानते हैं। अब बार बार इलेक्शन होंगे तो पार्टी का खर्चा भी ज्यादा होगा, और खर्चा ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये खर्चा आम जनता और बिजनेसमैन से ही वसूला जाएगा। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक बार ही खर्च होना है, तो इससे क्या होगा, उनको काफी सारे पैसे की सेविंग भी होगी। अब जब पार्टी के ज्यादा पैसे सेव होंगे तो कोई भी समझदार पार्टी जिसको ज्यादा लालच नहीं है तो मे बी वो थोड़ा बहुत जनता के बारे में सोचना शुरू कर दे। देखिए चीज अच्छी है क्योंकि बार बार इलेक्शन से एक्सपेंसेस तो आते ही हैं, देश में एक इनस्टेबिलिटी भी बनी रहती है, काफी टाइम के लिए जो प्रोजेक्ट है वो रुक भी जाते हैं। बीजेपी के पास पावर है पर इसका इलाज वही है जो ऊपर बताया था, एक साथ एक ही बार में सारी चीज को इंप्लीमेंट ना करें, धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाए, जैसे कि पहले एक ही साल में सारे स्टेट में मतलब कि पर्टिकुलर ईयर में इलेक्शन को निपटा दिया जाए, फिर उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन हो और उसके ढाई साल या दो साल के अंतराल के बाद विधानसभा प्लस लोकसभा प्लस लोकल बॉडीज। तो अगर इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है तो ये काफी बेटर रहेगा। इसके अलावा देखते हैं आज क्या बिल पास करती है सरकार।